नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के दूसरे पाठ शब्द परिचय द्वितीय के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। वे शब्द जो स्त्रीलिंग हो और जिनके अंत में आ आता हो उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ शब्द परिचय द्वितीय। ध्यान से देखें, ये संस्कृत वाक्य हैं। यहाँ इनका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। पहला वाक्य है एशा का। एशा का अर्थ है यह और का मानी कौन या क्या। यह क्या है, ये चित्र इन संस्कृत वाक्यों के बिल्कुल समीप दिया गया है, इसलिए हम शब्द प्रयोग करेंगे यह। तो यह क्या है, एशा यानी यह और का यानी कौन या क्या। तो इसका अर्थ हुआ यह क्या है। एशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। सा का, अब यहां देखें ये संस्कृत वाक्य हैं और ये चित्र इन वाक्यों से दूर है। जैसा कि हम जानते हैं दूर के लिए हम हिंदी में वह शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में वह के लिए सर्वनाम शब्द होगा सा और का अर्थ है कौन या क्या। तो सा का यानी वह क्या है, ये चित्र के विषय में पूछा जा रहा है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है या घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, इस चित्र के विषय में पूछा जा रहा है। एते के, एते का अर्थ है ये दोनों। के यानी कौन, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम का अर्थ है क्या, एते यानी ये दो, कोकिले यानी कोयल, क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं, जिसे हम आम भाषा में चिड़िया कहते हैं, उसका सही शब्द है गोरैया। नहीं ये दो गोरैया हैं। चटके किम कुरुतः, ये दोनों गोरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। अब चित्र संस्कृत वाक्यों से दूर है। चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में जहां जहां ये तीर के निशान लगे हुए हैं इनके विषय में पूछा जा रहा है। ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालक का अर्थ होता है ड्राइवर और चालिका यानी फीमेल ड्राइवर अर्थात महिला चालक। तो वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन यानी गाड़ी चला रही हैं। एताह कहा, अब चित्र पुनः संस्कृत वाक्यों के समीप है इसलिए सर्वनाम शब्द होगा यह और बहुवचन है तो एषा एते एताह। एताह का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। एताह कहा, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं अर्थात आकार में गोल हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ एताह गोलाकाराः एव, एताह यानी ये सब, गोलाकाराः यानी गोलाकार, एव यानी ही, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ताह काह, वे सब कौन हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ती, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ती, वे सब चर रही हैं। इस पाठ में हमने मुख्य रूप से जो पढ़ा वे शब्द हैं एषा एते एताह यानी यह ये दो ये सब। इनके वाक्य कैसे बनाएंगे। एषा बालिका, एते बालिके, एताह बालिकाः। अगला शब्द है तत् यानी जो व्यक्ति हमसे दूर होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे तत् और इसके स्त्रीलिंग में रूप होंगे सा ते ताह। सा का अर्थ है वह, ते यानी वे दो और ताह यानी वे सब। वाक्य होंगे सा बालिका, ते बालिके, ताह बालिका अर्थात वह बालिका, वे दो बालिकाएं, वे सब बालिकाएं। आइए अब हम चर्चा करते हैं
अभ्यास कार्य के विषय में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। उच्चारण के साथ साथ हम इनका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। छात्रा यानी विद्यार्थी स्त्रीलिंग, शिक्षिका यानी अध्यापिका, नौका नाव, लता यानी बेल, पेटिका यानी संदूक, छुरिका चाकू, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला लैब, माला यानी माला, कलिका कली, लेखिका लेखिका, सेविका सेवक का स्त्रीलिंग शब्द है सेविका, और गायिका यानी गायिका, ये गायक का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत्, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। उच्चारण के साथ साथ हम चित्रों के माध्यम से ये भी जानेंगे कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। पहला है सूचिका अर्थात सुई, द्विचक्रिका साइकिल, अग्निपेटिका माचिस, पीपीलिका यानी चींटी, उत्पीठिका मेज, मापिका यानी मापिका स्केल, कुंचिका चाबी, मक्षिका मक्खी, वीणा वीणा। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यहाँ दिए गए वर्ण विच्छेद वाले इन वर्णों का संयोजन करके शब्द बनाना है। उदाहरण दिया है क उ यानी कु, र उ रु, त अह तह कुरुतह। इसी प्रकार देखिए उ द य आ द्या न ए ने उद्याने। अगला है आधा स थ और आ था, ल ई ली, क आ का स्थालिका, घ टी का घटिका, आधा स त र ई त्री, ल ई ली यंग और ग अह गह स्त्रीलिंग, मा पी का मापिका। अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का जो वर्ण विच्छेद है उनको प्रदर्शित कीजिए। पहला शब्द उदाहरण देके समझाया है कोकिले, क ओ इनसे मिलके बनेगा को, क ई की और ल ए ले, तो बना शब्द कोकिले। इसी तरह अन्य शब्द हैं च ट के चटके, धा वी काहा धावी काहा, क ऊपे अनुस्वार कुं ची का कुंची का, ख ट हलंत है तो आधा रहेगा, व और आ वा खट्टुआ, छु री का छुरी का। अगला शब्द है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, इन चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए अर्थात इनको संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखना है। पहला है मेज, इसके लिए शब्द होगा उत्पीठिका, संदूक इसके लिए पेटिका, नाव नौका, गोरैया चटका, महिला महिला, यह है स्केल इसे कहते हैं मापिका। अगला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला उदाहरण देके समझाया है लता लते लताह। इसी तरह हमें अन्य शब्द रूपों द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं, गीता गीते गीताह, पेटिका पेटिके पेटिकाह, खटवा खटवे खटवाह, सा ते ताह, रोटिका रोटिके रोटिकाह। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, कोष्ठक से यहाँ से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें यानी रिक्त स्थान भरें। उदाहरण देके समझाया है बालिका पठती, यहाँ पठती क्रिया शब्द है एक वचन का है, तो इन दोनों शब्दों में से हमें पहचानना है कि इनमें से एक वचन का कौन सा रूप है। तो बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिका बहुवचन। तो जब क्रिया एक वचन की है तो यहाँ कर्ता भी एक वचन का लगेगा, तो हुआ बालिका और वाक्य बनेगा बालिका पठती। पहला प्रश्न है अजे चरतः, दो बकरियां चर रही हैं। तो हमने ये कैसे पहचाना कि यहाँ अजे शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्रिया द्विवचन की है, चरती चरतः चरंती,
तो इसी तरह इन दोनों शब्दों में जो द्विवचन का रूप है उसे हमने लिया अजे। द्विचक्रिकाः सन्ति, तो सन्ति बहुवचन का रूप, इसके साथ में कर्ता भी बहुवचन का, द्विचक्रिकाः। नौका चलति, चलति क्रिया एकवचन का रूप है, इसके साथ नौका का भी एकवचन रूप नौका। सूचिका अस्ति, दोनों एकवचन के हैं। मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्खियां उड़ रही हैं, दोनों बहुवचन रूप। अगला प्रश्न है सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। सा ते ताः, इनमें से सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरने हैं। जो संज्ञाएं यहां दी गई हैं इनके लिए उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जो एकवचन का हो उसके लिए सा, द्विवचन का हो उसमें ते, और बहुवचन का हो ताः। उदाहरण दिया है लता अस्ति, तो एकवचन में बनेगा सा। इसका एक और तरीका है, ये शब्द है लता, इसके अंत में है आ, लता, तो क्या है अंत में आ, और विसर्ग नहीं है, तो इसका मिलता जुलता रूप सा, इसमें भी आ है और विसर्ग नहीं है। ये है महिलाः, अंत में है आ और विसर्ग, तो इसके मिलता जुलता शब्द है ताः, इसके अंत में भी आ और विसर्ग। जवनिके, इसके अंत में ए, तो इससे मिलता जुलता है ते, यानी जिसके अंत में आ हो और विसर्ग ना हो उसके लिए सा, अंत में ए हो तो ते, और आ और विसर्ग हो तो ताः, यानी एकवचन द्विवचन और बहुवचन के रूप। तो लता अस्ति, लता एकवचन का, इसके लिए हमने शब्द काम में लिया सा, और वाक्य बनेगा सा अस्ति। महिलाः धावन्ति, बहुवचन रूप है इसलिए सर्वनाम शब्द होगा ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दौलतः, ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। अगला प्रश्न है मंजुषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इस पेटिका से उचित कर्ता शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं, यानी जिस वचन की क्रियाएं हैं अर्थात एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार और उनके गुणों के अनुसार क्रिया के साथ सही कर्ता शब्द लिखना है। पहला है संति, क्रिया शब्द, बहुवचन की है क्रिया संति, तो बहुवचन की जो है कर्ता कौन कौन से हैं, लेखिका एकवचन, बालका है एकवचन, सिंगाः ये बहुवचन, त्रिचक्रिका एकवचन, पुष्पमालाः बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन के दो शब्द हैं पुष्पमालाः और सिंगाः, तो दोनों में से हम कोई एक यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगे हमने देखा कि गर्जन्ति शब्द है बहुवचन का है और इसका अर्थ होगा गरजते हैं, तो वहां हम फूल माला के लिए हम नहीं लिख पाएंगे कि फूल माला गरजती हैं, इसलिए हम पुष्पमाला शब्द का प्रयोग यहां करेंगे और वाक्य सही बनेगा पुष्पमालाः सन्ति, फूल मालाएं हैं। अगला है पश्यति, यानी देखता है, तो एक वचन का है, तो इसमें लेखिका बालक और त्रिचक्रिका यानी ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा देख नहीं सकती, दो बचे एक वचन के रूप लेखिका और बालक। लेखिका के लिए अगली क्रिया यहां दी है लिखती, यानी लिख रही है, इसलिए एक शब्द बचा बालकः, इसलिए हम यहां इस वाक्य में शब्द प्रयोग करेंगे बालकः पश्यति, बालक देखता है। लिखती, लिखता है या लिखती है, तो सही शब्द होगा लेखिका, लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। गर्जंती यानी गरज रहे हैं, तो जैसा हम ऊपर अभी समझ चुके हैं इसके लिए उचित शब्द होगा सिंगाः यानी शेर गरजते हैं। चलती, चलती है या चलता है, तो त्रिचक्रिका यानी ऑटो रिक्शा, त्रिचक्रिका चलती यानी ऑटो रिक्शा चलता है। अगला प्रश्न है मंजुषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इस पेटिका से इन कर्ता पदों के अनुसार क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। इससे पिछले प्रश्न में हमने क्रिया के अनुसार कर्ता का सही चयन करके रिक्त स्थान भरे थे, इस प्रश्न में कर्ता के अनुसार
सही क्रिया शब्द चुन के रिक्त स्थान भरने हैं। पहला शब्द है सौम्या, इनमें से उचित शब्द क्या है? नृत्यति, नृत्य करती है या नाचती है। अगला है चटके, दो गोरैया विहरतः यानी फुदक रही हैं। बालिके, दो बालिकाएं गायतः गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, अनेक लोग देख रहे हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।